लास्ट फ्यू वीडियोज दैट आई एम फिल्मिंग इन दिस रूम बिकॉज इसके अंदर मेरी विदाई हो जाएगी सून. लुक एट दिस, कितनी क्यूट है यार. उस दिन ये टूटा था और जो दुख हुआ था ना मेरे को. हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर. वैलेंटाइंस डे इज अराउंड द कॉर्नर. एकदम पिंक पिंक लव वाइब्स हो रही है मेरे बैकग्राउंड में भी, मेरे आउटफिट में भी, बिकॉज नायका की शुरू हो चुकी है पिंक लव सेल जो हर साल उनके वैलेंटाइंस डे पे आती है. इनफैक्ट पहले ही आ जाती है, सो दैट अगर आप कोई लड़का भी वीडियो देख रहा है, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ वैलेंटाइंस डे के लिए लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो. सो मुझे रिसीव हुआ है नायका का पिंक लव सेल बॉक्स एज यूजुअल. नायका लव्स बी मोर. मुझे हमेशा वैलेंटाइंस डे गिफ्ट मिलता है नायका से, अपने पार्टनर से तो आज तक नहीं मिला, बट नेवर माइंड. आई होप वो वीडियो देख रहा होगा, एक टॉन्ट उसने सुन ली होगी, बट नेवर माइंड. आई विल बी अनबॉक्सिंग दिस बॉक्स विद यू गाइस. मैंने ना ऊपर से ऐसे झांक कर देखा था, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें, बट मैंने ऐसे प्रॉपरली नहीं देखा है. वी हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम लॉट ऑफ ब्रांड्स. ऑल्सो ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सारी ब्रांड्स पर बहुत अच्छी सेल चल रही है, और मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो को तभी लाइव करूँ जब सेल शुरू हो जाए, ताकि आप इंस्टेंटली इन सब चीजों को ग्रैब कर सको. दिस वीडियो इज नॉट इन स्पॉन्सरशिप विद नायका. नायका पे नहीं कर रहा है इस वीडियो के लिए. नायका ने खाली मुझे बॉक्स भेजा है एंड द लिंक्स विल बी एफिलिएट. आई एम जस्ट क्लियरिंग इट आउट देयर बिकॉज आजकल इन्फ्लुएंसर गाइडलाइंस काफी ज्यादा आ चुकी है, तो मैं क्लियर कर रही हूँ. ज्यादा देर नहीं करते, इससे पहले प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए मुझे आपको दिखाना जरूरी है. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. I'm gonna go very randomly, जो हाथ में आया वो आपको दिखा दूंगी, लेकिन सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने बॉक्स खोलते ही देख लिया था वो है ये मेकअप फिक्सर. बेसिकली इट इज फ्रॉम द ब्रांड Forever 52. ये जो Forever 52 ब्रांड है ना, इसके बारे में मुझे ज्यादा अच्छे से तब पता चला जब मैंने अपनी मेकअप क्लासेस ज्वाइन करी, बिकॉज जब भी आप प्रोफेशनल मेकअप सीखोगे ना तो उसमें बिगनर्स को Forever 52 ही रिकमेंड किया जाता है. जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो बेसिक लेवल पे यही वाले ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. सो ये उसका है मेकअप फिक्सर. लॉन्ग लास्टिंग मैट फिनिश देता है. इट्स लाइक अ हेयर स्प्रे जैसी पैकेजिंग है इसकी, एकदम मेटल वाली जो पैकेजिंग होती है. ये मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी और आपको बताने वाली हूँ. Forever 52 पे जो भी ऑफर चल रहा है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. मैंने Forever 52 का फाउंडेशन लिया हुआ है, इसका एक 800 रुपीस का आता है, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड. मैंने आई थिंक आपको किसी मंथली फेवरेट में भी फीचर किया था. सो नायका पर Forever 52 के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का मेकअप लेना चाहते हो, अनलाइक मेबलिन लॉरियल जो होते हैं वो रेगुलर वाले मेकअप होते हैं, लेकिन अगर आप फ्लैश फोटोग्राफी के लिए, वेडिंग पर्पज के लिए अफोर्डेबल बजट में कोई मेकअप देख रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप ये चेकआउट कर सकते हो. इसका फाउंडेशन तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी. इनफैक्ट आज मैंने वही लगाया हुआ है. यस, मैंने मेकअप Forever 52 का ही फाउंडेशन लगाया हुआ है. 800 समथिंग का आता है, सेल पर आपको और चीपर प्राइस में मिल जाएगा, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. नेक्स्ट अप इज समथिंग जो मुझे खरीदना ही था, मेरी ब्राइडल वैनिटी के, बिकॉज मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी थी. बहुत अच्छा ग्लो देता है, इसका एकदम मेटालिक वाली फिनिश आती है. ये मेबलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर. आई एम श्योर आप सबने देखा ही होगा, कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करता रहता है, और मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया. आई एम डेफिनेटली लेट, बट बेटर लेट देन नेवर. अब मैं एक बार खोल के इसको एक बार स्वॉच कर लेती हूँ. एवरीथिंग इज प्रॉपरली सील पैक. मेबलिन पे बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं, मतलब नायका की जब भी सेल लगते हैं मैं मेबलिन का कुछ ना कुछ तो ले ही लेती हूँ. लाइक मुझे मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन बहुत पसंद है. मेरा उसमें शेड है 128 वार्म न्यूड. इट सूट्स मी सो वेल. इनफैक्ट फिट मी से बेटर मुझे सुपर स्टे लगता है. तो अगर आप थोड़ा बहुत पार्टी मेकअप के लिए देख रहे हो ना, आई वुड हाईली सजेस्ट आप सुपर स्टे ले लो. बहुत अच्छा वो हाईलाइटर है. अदरवाइज मेबलिन का मुझे फाउंडेशन फिट मी कंसीलर बहुत पसंद है. इसका ब्लश काफी अच्छा है. इसका कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है. अगर आप कुछ अफोर्डेबल बजट में कॉम्पैक्ट देख रहे हो ना, तो मेबलिन फिट मी का जो कॉम्पैक्ट आता है वो भी बहुत अच्छा है. उसका पफ सेपरेट होता है, मिरर के साथ अलग से आता है नीचे की साइड, तो अच्छे से हाइजीन भी मेंटेन रहती है. आई ऑलवेज से जब एक्ने प्रोन स्किन होती है ना, तो ऐसे ही कॉम्पैक्ट लिया करो जिसमें पफ अलग हो और कॉम्पैक्ट अलग हो. तो इसका शेड नेम है 100 मोल्टन गोल्ड एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत प्यारा है, इस पे से डिजाइन भी बना हुआ है. इसको एक बार स्वॉच करके देखते हैं. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ओ माय गॉड, दिस इज सुपर सुपर गोल्डन, लाइक एकदम ब्रॉन्ज गोल्डन इफेक्ट होता ना, ये बिल्कुल वैसा कलर दे रहा है. आई थिंक ये बहुत अच्छा लगेगा. इनफैक्ट शादी के बाद जो एक एकदम ब्राइडल वाला मेकअप करना होता है ना, ग्लोई ग्लोई वाला, तो उसमें डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है. सो डेफिनेटली एडिंग दिस टू माय ब्राइडल वैनिटी. कमिंग टू द थर्ड प्रोडक्ट, ये है फेसेस कैनेडा का फ्रेश आइस काजल. ये कुछ इस तरह से दिखता है. मैंने फेसेस कैनेडा काजल पहले यूज करे हुए हैं. इसका रेड वाला जो मैग्नेटाइज वाला काजल था ना, वो तो मैंने 3-4 पता नहीं कितने फिनिश कर दिए थे अपने कॉलेज डेज में. इसका एक कॉम्बो भी आता है सेल पे, फेसेस कैनेडा का मैग्नेटाइज का काजल और मैग्नेटाइज का मस्कारा का एक कॉम्बो आता है. आई क्लियरली रिमेंबर जब भी सेल लगती है वो नायका की सेल पर बहुत अच्छे डील पे मिलता है, तो वो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो. अदरवाइज फेसेस कैनेडा पर काफी बार बाय वन गेट वन आ जाता है. जब नेल पेंट्स आप ले सकते हो, इनकी नेल पेंट्स काफी अच्छी हैं, तो अगर इनका ऑफर नेल पेंट पे एप्लीकेबल होगा ना, तो इसकी डेफिनेटली आप नेल पेंट ले सकते हो बाय वन गेट वन पे, तो स्टील डील है. बट दिस इज द न्यू काजल. आई थिंक अभी न्यू लॉन्च हुआ है. दिस इज अ फ्रेश आइज. ये सेंसिटिव आइज को भी सूट करता है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है. मैंने अभी तक ये वाला ट्राई नहीं किया, तो मैं कुछ कह नहीं सकती. ये वाटर प्रूफ है, लॉन्ग स्टे है, स्मच प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. दिस हैज नो पैराबेन, नो थैलेट, नो टैल्क एंड अल्कोहल पिगमेंटेड. बोल्ड कलर, वन स्ट्रोक आता है
इसका, एंड दिस फॉर 225 रुपीज, बट आई थिंक सेल पे आपको अंडर रुपीज 200 आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और ये जब टूटा था ना मेरा, मुझे इतना दुख हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर किस दिन टूटा था। मेरे पार्टनर का बर्थडे था, उस दिन मैं उसकी बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और उस दिन ये टूटा था, और जो दुख हुआ था ना मेरे को, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट था, मैं अपने सारे फाउंडेशन में मिक्स करती थी। सो अभी देख के बड़ा दिल खुश हो गया, फाइनली आई हैव इट। ये है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। ये कुछ इस तरह की आउटर पैकेजिंग है इसकी, ब्राइटन अप करता है स्किन को, मॉडिफाई करता है पोर्स को, मॉडिफाई करता है ये तो थोड़ा अजीब क्लेम हो गया, बट इसको इग्नोर करते हैं, मॉइस्चराइज करता है, न्यूट्रिशियस मॉइस्चराइज और ब्राइटन अप स्किन को मैं एक्सेप्ट करने वाली हूँ, बट ये पोर फिलिंग नहीं है, ये एक तरह से एल्यूमिनेटर है। जैसे मैक की स्ट्रोक क्रीम आती है ना, इसका बिल्कुल वैसा इफेक्ट आता है। तो या तो आप इसको एज अ बेस प्रोडक्ट पर यूज कर लो, या फिर फाउंडेशन में मिक्स कर लो, या फिर आप खाली इसको हाई पॉइंट पर भी लगाओगे ना, फॉर अ नेचुरल ग्लो बहुत अच्छा लगता है। और इस बार जो शेड मेरे पास आया है ये है 01 नेचुरल टिंट। आई थिंक लास्ट टाइम जो मेरे पास था वो था 02 पिंक टिंट समथिंग था, ये नेचुरल टिंट है। सो जरा ट्राई करके देखना नेचुरल टिंट कैसा लगता है। ये ग्लास पैकेजिंग में आता है, और जब ये लास्ट टाइम टूटा था ना, मतलब बड़ा रोना निकला था मेरे को, बिकॉज की बहुत अच्छी लग्जूरियस प्रिटी सी ग्लास पैकेजिंग है। अब मैं इसको बहुत ज्यादा संभाल के रखने वाली हूँ, बिकॉज स्लिप हो जाता है यार मेकअप करते हुए। सो लेट मी जस्ट शो यू वन स्वॉच। ये भी एकदम परफेक्ट है वेडिंग या कोई पार्टी फंक्शंस के लिए, बिकॉज ये बहुत प्यारा ग्लो देता है। लाइक अगर आपका नॉर्मल फाउंडेशन क्रैक होता है ना, तो सबसे बेस्ट हैक है अपने फाउंडेशन में ये मिक्स कर लो, ये मॉइस्चराइज भी करेगा, आपका फाउंडेशन क्रैक नहीं होगा। प्लस इसमें जो एल्यूमिनेटिंग वाला इफेक्ट है ना, आपका पूरा बेस इतना अच्छा ग्लो करेगा ना। इसके पार्टिकल्स थोड़े से दिखते हैं, अगर कोई आपके पास बहुत क्लोज आके देखेगा ना, उसको ऐसे शिमरी शिमरी इफेक्ट दिखेगा, बट ट्रस्ट मी जब आप वेडिंग या पार्टीज में जाते हो, जब आप फोटोज खींचते हो ना, तो बहुत अच्छी फोटोज आती हैं। आप इसको बॉडी पे भी यूज कर सकते। इसका प्राइस है 400 रुपीज। इसमें आपको 32 ml की क्वांटिटी मिलती है, विच इज ह्यूज, लाइक आपको काफी अच्छी क्वांटिटी मिल रही है, और 400 के कंपैरिजन में जब सेल लगेगी ना, तो ये और सस्ते में मिलने वाला है। सो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। स्विस ब्यूटी पे नायका ऑफर्स भी चलाता है, लाइक अगर आप मिनिमम इतनी शॉपिंग करोगे तो आपको कुछ ना कुछ फ्री भी मिल जाएगा। सो डेफिनेटली चेक इट आउट। नेक्स्ट अप वी हैव जानवी कपूर की लिप किट, जो नायका के साथ कोलैबोरेशन में आई थी। इसमें नायका की 3 डिफरेंट लिपस्टिक्स हैं इन मिनिएचर फॉर्म, एंड बड़ी क्यूट है। ये भी मैंने खोल लिया था पहले ही, मुझे चुल तो होती है चीजें देखने की, बट दिस आर द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक। अगेन ये भी बहुत अच्छा गिफ्टिंग आइटम है, अगर आप अपनी फ्रेंड को या कोई लड़का वैलेंटाइंस डे पे अपनी पार्टनर को छोटा सा गिफ्ट करना चाहता है, तो ये भी काफी क्यूट गिफ्टिंग आइटम है, बिकॉज में आपको तीनों बहुत प्यारे शेड मिलते हैं। इतनी क्यूट लग रही है ना, मतलब इतनी क्यूट और प्यारी लग रही है। ट्रस्ट मी, अगर आप लिपस्टिक होल्डर हो ना, आपको बहुत सारी लिपस्टिक्स कलेक्ट करने का शौक है, तो ऐसी छोटी ही प्रेफर किया करो, बिकॉज जितनी बड़ी लिपस्टिक लोगे ना, फिर वो जल्दी ड्राई हो जाती है, आप उसको फिनिश नहीं कर पाते, और फिर ऐसे दुख होता है यार लिपस्टिक वेस्ट हो गई। सो ऐसी मिनी लिपस्टिक अच्छी है, और आजकल जैसे हमारे पर्सेस ऐसे टाइनी टाइनी होते जा रहे हैं ना, उसके लिए भी एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं ये जानवी शेड जो है उनके मैट टू लास्ट कलेक्शन का। लुक एट दिस, मेरे हाथ के कंपैरिजन में आप एक बार कंपेयर करो, कितनी छोटी और क्यूट सी है। और ऐसी जो लिप किट्स होती है ना, ये अफोर्डेबल भी होती है, आप डिफरेंट लिपस्टिक ट्राई भी कर पाते हो, अफोर्डेबल भी होती है, जल्दी खत्म भी हो जाती है, और आपके टाइनी से बैग में फिट भी आ जाती है। लाइक लुक एट दिस, कितनी क्यूट है यार। आई थिंक ये सबसे मिनी लिपस्टिक होने वाली है अब तक जो मैं ओन करूंगी, एंड प्लस इट्स फ्रॉम अ गुड ब्रांड। अदरवाइज जो आप वो छोटी छोटी कैप्सूल लिपस्टिक देखते हो ना अमेजोन वगैरह पे, वो लोकल ब्रांड्स की होती है, और लोकल ब्रांड का आपको नहीं पता आपके लिप्स कैसे कर देगी वो, तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी की ब्रांड है नायका। तो ये मिनी भी एकदम परफेक्ट है। सो जरा स्वॉच करके देखते हैं जानवी शेड। सो दिस इज हाउ जानवी लुक्स लाइक। ओ माई गॉड, दिस इज सो प्रिटी। ये बिल्कुल वही शेड है जो मैं लगाना प्रेफर करती हूँ, वेरी प्रिटी न्यूड पिंक सॉर्ट ऑफ शेड। सो ये वाला जो जानवी वाला शेड है ना, दिस इज फ्रॉम देयर कलेक्शन मैट टू लास्ट। सो डेफिनेटली ये मैट वाली लिपस्टिक है, ये है सबसे पहली लिपस्टिक। देन नेक्स्ट अप वी हैव नायका की सो मैट, ये भी बड़ी क्यूट सी लिपस्टिक है छोटी सी। इसका शेड है रीगल रूबी 30 ml। इसको भी जरा खोल के देखते हैं। ओ माई गॉड, कितनी क्यूट है यार, ये तो बड़ी क्यूट लग रही है। मैं अगर अपनी नीज को दिखाऊंगी ना, वही पागल क्योंकि मुझे दे दो बूजी, एकदम ये टॉयज वाली फील दे रही है। सो दिस इज हाउ द मिनी लिपस्टिक लुक्स लाइक, टीनी टाइनी सी ऐसे खुलती है, और इतनी सी लिपस्टिक है इसमें, कितनी क्यूट है। सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। इसका एकदम रेड टोन का शेड है ना, मैं स्वॉच करके खराब नहीं कर रही, बिकॉज यार फिर मैं इतना यूज नहीं करती हूँ तो वेस्ट चला जाता है। सो मैं कुछ कुछ ऐसी लिपस्टिक ऐसी रखती हूँ, बिकॉज फिर किसी को दे भी नहीं पाते, बट दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। आई हैव सिमिलर शेड, तो इसको मैं स्वॉच करके वेस्ट नहीं कर रही। बड़ा प्यारा एकदम रेडिश रूबी वाला जो कलर होता है ना, वो वाला इसका कलर है। अगेन वेरी क्यूट एंड टाइनी, यू कैन डेफिनेटली कैरी इट इन योर बैग। फिर है नायका की अल्ट्रा मैट कलेक्शन की लिपस्टिक इन द शेड जेन। ये मुझे थोड़ा सा ब्राउन टोन लग रहा है फ्रॉम द पैकेजिंग। या ये एकदम ब्राउन टोन की लिपस्टिक है, अगेन सो सो क्यूट। ओ माई गॉड, दिस किट इज वेरी क्यूट। ओ ये भी ऐसी खुलती है, आई थॉट लिक्विड होगी, बट दिस इज हाउ जेन लुक्स लाइक। ये भी बहुत प्यारा न्यूडिश ब्राउन सा कलर है। आई थिंक दिस किट इज नाइस। इसमें आपको एक पिंक टोन का कलर मिल रहा है, आपको एक रेड टोन का कलर मिल रहा है, और आपको एक न्यूड टोन का कलर मिल रहा है। सो किट की जो सिलेक्शन है ना कलर्स की, वो एकदम परफेक्ट।
कटा है। इस किट पे मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसका नाम है जानवी कपूर लिप वॉर्ड्रोब। इसमें आपको ये तीन शेड्स मिल रहे हैं, वेरी वेरी क्यूट। 677 इसका एमआरपी है, बट डेफिनेटली नायका की सेल पे आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी और आपके छोटे छोटे स्लिंग में इजिली फिट आने वाली है। डेफिनेटली अ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट वी हैव समथिंग फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन, ये है उनका गेम ऑफ थ्रोन्स का लिमिटेड एडिशन वाला मस्कारा। मेकअप रेवोल्यूशन में से अगर मैं कुछ रिकमेंड करूंगी ना, वो है आई शेडोज। जब भी नायका की सेल मिलती है, मैं हमेशा अपनी स्टोरीज पे भी रिकमेंड करती हूँ इनकी आई शेडोज ले लिया करो। इनफैक्ट आपको कॉम्बो मिलता है, आपको बाय वन गेट वन पे दो आई शेडो पैलेट मिल जाते हैं। एक कॉम्बो होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी अगर अवेलेबल होगा अभी तो, उसमें कलरफुल पैलेट होता है और एक न्यूड पैलेट होता है। आप वो ले लो एंड यू आर सॉर्टेड, मतलब लिटरली यू आर सॉर्टेड, आपको और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। एंड मेकअप रेवोल्यूशन की जो आई शेडो की क्वालिटी है ना, इट इज सुपीरियर, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है अफोर्डेबल प्राइस। सो मेकअप रेवोल्यूशन में से कुछ सजेस्ट करूंगी तो डेफिनेटली आई शेडो। लिपस्टिक फ्रॉम NYX, ये NYX की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द शेड, द शेड नेम इज कोपेनहेगन, पता नहीं यार कैसा नाम रखते हैं। इसका कोड है SMLC20, इसका कोड है, मैं आपको कोड बता देती हूँ। SMLC की मेरे पास काफ़ी सारी लिपस्टिक है, फिर डोंट नो व्हाट इज SMLC, इट इज सॉफ्ट मैट लिप क्रीम। मेरे पास इनके दो शेड पहले थे और मैं काफ़ी बार उनको रिकमेंड भी कर चुकी हूँ अपने फेवरेट्स में, इंस्टाग्राम के स्वॉचेस में भी दिखा चुकी हूँ। आई फील लाइक ये बहुत ज़्यादा डार्क बैम्पी वाला शेड होगा जो मैं नहीं लगाती, बट ठीक है करके देखते हैं। Yeah, it's quite dark. It's like that wine deep color होता है ना, ये बिल्कुल वैसा कलर है। आई थिंक जब आईज बहुत ज्यादा न्यूट्रल होना तो ऐसे शेड अच्छे लगते हैं, बिकॉज सारा फोकस फिर लिप्स पे आ जाता है। सो डेफिनेटली चेक इट आउट। ये वही लिपस्टिक्स आपको नायका की सेल पे बहुत अच्छी डील पे मिलती है। अगेन NYX पर मैंने हमेशा देखा है कॉम्बो डील्स चलती है नायका की, तो अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्री मिल पाएगा। नेक्स्ट वी हैव अ बॉडी केयर प्रोडक्ट फ्रॉम निव्या, ये है उनका शावर जेल वाटर लिली एंड ऑयल का नेचुरली केयरिंग एंड रिफ्रेशिंग, 99% बायोडिग्रेडेबल फॉर्मुला है ये। सो दिस आउट लुक्स लाइक, इसके अंदर बहुत टाइनी टाइनी ऐसे ग्लोब्यूल्स हैं, लाइक पार्टिकल्स हैं, उन्होंने कैमरा पर दिख रहे हैं दिख रहे, बट यू कैन सी, कैन यू सी, इसके अंदर बहुत टाइनी ऐसे पार्टिकल्स भी हैं। तो शाजे लिया आप लूफा पे डालो, अच्छे से फॉर्म अप हो जाता है, एंड देन यू कैन जस्ट मसाज इसको एक बार स्निफ करके देखूँ इसकी खुशबू कैसी है। ओह इट्स नाइस, नाक पे लग गई। Yeah, it's nice. It's exactly like Nivea के जो deodorants आते थे ना, इसकी बिल्कुल वैसी वाली खुशबू है, लेकिन हल्की सी floral side पे। It's actually very nice. I think summers के लिए काफ़ी अच्छा शार्जल होने वाला है, बिकॉज की खुशबू एकदम वो समरी वाली है। सो डेफिनेटली मैं समर्स में ट्राई करूँगी। नेक्स्ट वी हैव लैक्मे एब्सोल्यूट का परफेक्ट रेडियंस ब्राइटनिंग डे क्रीम विद सनस्क्रीन। दिस आर इट लुक्स लाइक। लैक्मे एब्सोल्यूट की पूरी एक रेंज आती है स्किन केयर की, मैंने स्पेसिफिकली कुछ इसमें ट्राई नहीं किया, बट मैंने सुना इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक, इज द परफेक्ट रेडियंस की क्रीम। इट्स लाइक अ मूज विप क्रीम जैसे आती है ना, ये बिल्कुल वैसी है। एक बार मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ, बिल्कुल इसका वैसे वाला ही टेक्सचर है जो लाइट से ऐसा क्रीम होती है। ओके, मेरा हाथ क्लियरली बढ़ चुका है, बट इट्स लाइक अ वेरी लाइट क्रीम जो मूज जैसी आती है ना, फटाफट स्किन में ब्लेंड हो जाती है। इट्स नॉट दैट थिक ग्रीसी वाली। सो अगर आप बेस प्रोडक्ट के लिए देख रहे हो तो आप ले सकते हो। या फ्रेग्रेंस काफ़ी हाई है, इसमें फ्रेग्रेंस काफ़ी हाई है। लैक्मे की सारे जो स्किन केयर रेंज होती है उसमें फ्रेग्रेंस काफ़ी हाई होती है। सो इफ इट सूट्स यू वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली स्किप इट, बिकॉज इतनी हाई फ्रेग्रेंस शायद आपको रिएक्ट कर सकती है। सो या अगर आपने कुछ ट्राई किया एब्सोल्यूट रेंज में से स्किन केयर में से तो मुझे जरूर बताना। अदरवाइज इन लैक्मे मेकअप कैटेगरी मुझे लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर बहुत पसंद है। लाइक वन प्रोडक्ट जो मैं रिकमेंड करूँगी ना लैक्मे में से सेल पर ले ही लो, वो है ये प्राइमर। मैं यहाँ पे इमेज भी इंसर्ट कर दूंगी। मैंने इसकी दो तीन पता नहीं कितनी ट्यूब्स फिनिश कर दी, आज भी मैंने वही लगाया हुआ है। इट्स लाइक द बेस्ट प्राइमर, नरिशमेंट देता है, मॉइस्चराइज करता है, पोर्स को बहुत अच्छे से फिल इन कर देता है, और सेल के प्राइस पे तो बहुत अच्छा है, वर्थ इट है। सो इससे बेटर तो मैं वो रिकमेंड करूंगी, यू कैन डेफिनेटली बाय इट। नेक्स्ट वी हैव समथिंग जो मैं ऑलमोस्ट हाफ फिनिश कर चुकी हूँ, मेरे बाथरूम में रखा भी हुआ है। यह नायका नेचुरल्स का अनियन फेन्यूग्रिक का है मास्क। दिस आउट लुक्स लाइक, ऐसे टब फॉर्म में आता है। ये अनियन और फेन्यूग्रिक वाली रेंज का है। वन थिंग जो मैं इनकी हेयर केयर रेंज में से रिकमेंड करूंगी, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा, इट इज शैम्पूज। इनके शैम्पूज बहुत अच्छे हैं। मैं इनके सारे वैरायटी शैम्पूज यूज कर लिया, अनियन फेन्यूग्रिक वाली, आमला वाली, रीठा वाली, चारकोल वाली, राइस वाली, मैंने चार पांच पता नहीं कितनी वैरायटी ट्राई कर ली। ऑल देयर शैम्पूज आर अमेजिंग। तो नायका नेचुरल के हेयर केयर कैटेगरी में से अगर मैं कुछ रिकमेंड करूंगी ना बेटर देन हेयर मास्क एंड कंडीशनर, वो है शैम्पू। हेयर मास्क कंडीशनर आई थिंक और अच्छे ब्रांड्स के आते हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हो। लाइक हेयर मास्क में मेरा फेवरेट है लॉरियल का गोल्ड किन्वा हेयर मास्क, देन मेरा नेक्स्ट फेवरेट है गार्नियर का हेयर मास्क जो उनका फ्रूट वाला आता है, बनाना वाला, पपाया वाला। दोज हेयर मास्क आर डेफिनेटली द बेस्ट, बट ये भी ओके है। बट लाइक कुछ रिकमेंड करना फ्रॉम नायका नेचुरल, इट हैज टू बी द शैम्पूज। नेक्स्ट वी हैव अ परफ्यूम, ये एंगेज का वन सोल यूनिसेक्स परफ्यूम। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, काफी क्लास
खासी सी इसकी पैकेजिंग है. दिस इज इन द वेरियंट वन सोल, ग्रीन कलर की इसकी बॉटल है और अंदर से दिखता है कुछ इस तरह से. ओ माई गॉड, एंगेज इज डेफिनेटली लेवलिंग अप इन परफ्यूम कैटेगरी एज वेल. मुझे पहले लगता था एंगेज खाली डियोज बनाता है, बट अब ये परफ्यूम्स भी इन्होंने निकाल दिया. लुक एट द पैकेजिंग, कितनी प्यारी इसकी पैकेजिंग है. एंड या खुशबू भी अच्छी है. या इट हैज दैट यूनिसेक्स, जो परफेक्ट एकदम यूनिसेक्स खुशबू होती है, जो लड़के भी लगा सकते हैं, लड़कियां भी लगा सकती हैं. बिल्कुल परफेक्ट वैसी खुशबू है. इट्स नॉट दैट गर्ली, इसमें हल्का सा एक सिट्रसी वाली खुशबू आ रही है. सो रियली नाइस. नेक्स्ट अप वी हैव माय फेवरेट प्रोडक्ट, यह एकोलॉजिका का ग्लो प्लस ड्यूवी सनस्क्रीन. या एकोलॉजिका की ऑफिशियल वेबसाइट से तो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहती है. लाइक मैं जब भी एकोलॉजिका के साथ काम करती हूँ ना, दे ऑलवेज से ड्यूवी वाली मेंशन मत करना अभी, बिकॉज आउट ऑफ स्टॉक है. लाइक मेरी वही फेवरेट है, मुझे वही मेंशन करनी है, और ये हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से आउट ऑफ स्टॉक रहती है. तो अगर ये अभी नायका पे अवेलेबल है ना, तो ले लो, इट इज So good. जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, दे नो मेरी एक्वालॉजिका का जो टॉप फेवरेट प्रोडक्ट है वो यही है, डूई वाली सनस्क्रीन. इट्स लाइक अ वेरी नाइस सनस्क्रीन. अच्छे से कवर, मतलब वाइट कास्ट नहीं देती, वाइटिश फील नहीं होती, ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाती है, हैवी फील नहीं होती. प्लस इसका बहुत अच्छा डूई इफेक्ट है, तो इसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट या बीबी क्रीम भी लगाओगे ना, वो क्रैक नहीं होता. अगर आपको समझ में लगता है थोड़ा ग्रीसी लग रहा है, तो आप उसके ऊपर डस्ट ऑफ करो कोई लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट, यू आर गुड टू गो. बहुत अच्छी सनस्क्रीन है. SPF 50 है विद PA 4 टाइम्स प्लस प्रोटेक्शन, UVA, UVB protection, very very nice, definitely a must buy. नेक्स्ट अप वी हैव मोर टू सी बॉटल, ये है लव ब्यूटी एंड प्लानेट का आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर का स्मूथ एंड सरेन सल्फेट फ्री शैम्पू. ये मैंने यूज़ किया हुआ है, ये इतना ज़्यादा फोम अप नहीं होता. लाइक अगर आप फैन हो जो शैम्पूज फोम अप नहीं होते, सल्फेट फ्री हो, लाइक उसमें कोई केमिकल वैसा ना डलाओ जो फोम अप होता है, तो आप ले सकते हो. बट मुझे ना थोड़े से फोमिंग वाले शैम्पू ज़्यादा पसंद है, तो उसमें फोम थोड़ा कम बनता है ना, तो मुझे वो वाली सेटिस्फैक्शन नहीं आती. बट अदरवाइज इट्स गुड, जेंटल क्लेंजिंग के लिए अच्छा है. बट आई थिंक दे आर बेटर शैम्पूज इन द मार्केट जो आप ट्राई कर सकते हो. लाइक नायका नेचुरल्स का जो मैंने आपको रिकमेंड किया है, वो सल्फेट फ्री भी है बट वो फोम बहुत अच्छे से होता है, तो ऐसे शैम्पूज मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं. बट दिस वन इज ऑल्सो नाइस, मुझे इनका बॉडी वॉश ज्यादा अच्छा लगता है. अगर लव ब्यूटी एंड प्लैनेट में से मैं कुछ एक प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगी, या तो बॉडी वॉश या फिर बॉडी लोशन, वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट अप वी हैव अ हेयर केयर प्रोडक्ट फ्रॉम लॉरियल, ये है उनका स्कैल्प एडवांस का क्ले 6% शैम्पू एंड मास्क 2-in-1. ओ ये शैम्पू भी और मास्क भी है, तो बड़ी पहली बार मैंने ऐसी कोई चीज़ सुनी है. ये 2-in-1 है, शैम्पू भी है और डीप मास्क प्योरीफायर भी है. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. ब्लू कलर का टब है और ये इनका सीरीज एक्सपर्ट वाली रेंज है, जो लॉरियल की स्पेसिफिकली सीरीज एक्सपर्ट जिसके ऊपर लिखा होता है ना, ये आपको सारे सैलॉन्स में मिलेगी. आप कभी भी किसी अच्छे सैलॉन में जाओगे, हेयर सैलॉन, वहाँ पे आपको इनके सारे सीरीज एक्सपर्ट के प्रोडक्ट मिलेंगे, बिकॉज ये स्पेसिफिकली प्रोफेशनल वे में यूज़ किए जाते हैं. जब भी कोई हेयर ट्रीटमेंट की जाती है, तो यही वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करे जाते हैं. तो ये 2-in-1 सॉर्ट ऑफ है, विच इज़ नाइस. लाइक अगर कभी मन ना करे शैम्पू और मास्क अलग से लगाना है, शैम्पू करना, तो आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज नाइस. मैं ट्राई करूंगी फिर बताऊंगी, बिकॉज शैम्पू आई थिंक स्कैल्प पे भी कंसंट्रेट होता है, मास्क बालों पर, तो मुझे कंसेप्ट ये समझ नहीं आया. तो जब मैं ट्राई करूंगी मैं तभी बता सकती हूँ, बट फिलहाल ये कुछ इस तरह से दिखता है. वी हैव समथिंग फ्रॉम बायोलॉज, ये बायोलॉज का स्कैल्प प्योर जिंक PCA ऑक्टोपायरोक्स बर्गमॉट कंप्लीट सोल्यूशन स्कैल्प सीरम फॉर स्कैल्प. ओ इट्स वेरी सिमिलर टू प्लम का. प्लम का ही मैं एक सीरम यूज करती हूँ, हेयर सीरम, वो स्कैल्प के लिए है. वो डिट्टो ऐसी पैकेजिंग में आता है, ऊपर से ऐसे नोजल ऐसे लॉक करो और ऐसे डाल लो, मसाज कर लो. मुझे वो ऑयलिंग से बेटर लगता है, बिकॉज काफी बार जब विंटर्स में तेल लगा लो ना, तो और ज्यादा डैंड्रफ बढ़ जाता है, तेल रिमूव नहीं हो पाता, ऑयलीनेस, वो ग्रीसीनेस छोड़ जाती है. सो आई फील लाइक ऐसी सीरम बेस्ड ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छी रहती है. सो ये भी कुछ इसी तरह का ही है. दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन फॉर हेयर. मुझे नहीं पता क्या कंप्लीट ये सोल्यूशन करता है, बिकॉज मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. जो प्लम वाला था वो अनलॉक होता था, ये वाला पूरा ऐसे निकल जाता है और आप इसको डायरेक्टली ऐसे स्कैल्प पे यूज कर सकते हो. हम जस्ट अभी प्लम की बात कर रहे थे और अगला प्रोडक्ट प्लम का ही निकला है. यह प्लम का मैंडरिन एंड विटामिन सी का 15% का सीरम, जो विटामिन सी वाला आता है. इसका तो मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पे, वो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. मैं यहाँ कहीं भी लिंक कर दूंगी, अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च पे जाओ, प्लम विटामिन सी कशिका चौहान टाइप करोगे ना, आपको मेरी वो वीडियो दिख जाएगी. दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. मतलब लास्ट ईयर या फिर इस साल के मिड तक भी मैंने इसकी 3-4 पता नहीं कितनी बॉटल्स फिनिश कर दी थी. बिल्कुल पानी जैसा पतला सीरम है, स्किन में बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है, ग्लो बहुत अच्छा देता है, और विटामिन सी का तो हमें पता ही है बेनिफिट्स कितने अच्छे होते हैं. एक्ने मार्क्स हो गए, पिगमेंटेशन हो गई, या जो भी थोड़ी सी डलनेस होती है ना, उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है. वी हैव अनदर विटामिन सी फ्रॉम मिनिमलिस्ट, या मिनिमलिस्ट का विटामिन सी प्लस ई फेरुलिक का 16% का सीरम. सो ये जो प्लम वाला है ये 15% का है और ये 16% का, इसलिए ब्राइटन अप करता है, प्रोटेक्ट करता है स्किन को. एंड फाइनली वी हैव द लास्ट टू प्रोडक्ट एंड द बॉक्स इज कंप्लीटली एम्प्टी. सबसे पहले है ये फ्लॉलेस का ब्राउज का. दिस इज फॉर ओ इज दैट एपिलेटर वाला टूल, मेरे पास ऑलरेडी है, ये परफेक्ट फॉर ब्राउज समथिंग
कुछ ऐसे वाला टूल आता है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये गिमिकी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वाला जो ब्रॉन का आता है ना, ये उसका सस्ता ड्यूप आप बोल सकते हो. मेरे पास ऑलरेडी है ये, मैंने अमेजोन से लिया हुआ है. ओके ओके वर्क करता है. लाइक मुझे ना रेजर करने की आदत है और इससे मुझे ऐसा लगता है बहुत घंटे लग रहे हैं और वो रिजल्ट नहीं आ रहा. सो ओके वर्क करता है, आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ इट, तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करने वाली. अगर आप अभी भी प्लकिंग करते हो या फिर रेजर मारते हो या फिर आप सीधा थ्रेडिंग कराते हो ना, तो उसी पे स्टे करो, बिकॉज इससे मुझे एकदम प्रॉपर वाले रिजल्ट नहीं मिले. मैंने एक्चुअल वाला जो ब्रॉन का आता ना, मैंने वो ट्राई नहीं किया. मेरी फ्रेंड के पास है, शी सेड वो बहुत अच्छा है. सो वो जब मैं फ्यूचर में ट्राई करूंगी तब शायद रिकमेंड कर पाऊँ, बट फॉर नाउ आई थिंक ये मुझे ओके ओके लगता है. एंड लास्ट भी है एक वाइटामिन सी सीरम. नायका ने मुझे 3 वाइटामिन सी सीरम भेज दिए. लिटरली दे थॉट कि मैं वाइटामिन सी ही लगाती हूँ बस. ये डॉटन की का 10% वाइटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट फेस सीरम विद 5% नायसिनमाइड. ओके इसमें 5% नायसिनमाइड भी है. इफ यू आस्क मी तीनों में से मेरा फेवरेट कौन सा वाइटामिन सी है, मैं अभी भी प्लम ही चूज करूंगी, बिकॉज प्लम का मुझे अभी भी सबसे बेस्ट लगता है. इट्स लाइक नो फस सिंपल वाइटामिन सी सीरम जो सबको सूट कर जाता है. ये वाले फिर भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेशन है. लाइक मिनिमलिस्ट में आपको वाइटामिन ई मिल रहा है, इसमें आपको नायसिनमाइड मिल रहा है. तो अगर आपको मल्टीपर्पज ऑटो सीरम चाहिए कि एक लगाओ मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो आप ये ले सकते हो. लाइक इसमें आपको वाइटामिन ई मिल रहा है, तो ये ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, बिकॉज वाइटामिन ई एक नरिशमेंट देता है ड्राई स्किन को. और अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने मार्क्स भी है, डलनेस है, तो ये अच्छा है, बिकॉज में नायसिनमाइड भी आपको मिल रहा है. तो आपको दोनों के बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सो अपनी स्किन टाइप कंसर्न के हिसाब से कोई भी एक पिक कर सकते हो. With this, my unboxing is finished. सारे प्रोडक्ट खत्म हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा. ये सारे प्रोडक्ट पे अमेजिंग डील तो चल ही रही होगी, आई एम प्रिटी श्योर. अभी सेल शुरू नहीं हुई जब मैं शूट कर रही हूँ, बट आई एम श्योर इन सब पे बहुत सी सेल डील चल ही रही होगी. तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, सबके ब्रांड लिंक्स मिल जाएंगे. इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज शॉप फ्रॉम माई लिंक, इट हेल्प्स मी एज वेल एज अ क्रिएटर. सो डेफिनेटली चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. इसके अलावा मेरी थोड़ी सी बिजी चल रही है अभी लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ माई वेडिंग प्रेप्स, बट आई विल मेक श्योर मैं एक दिन पूरा खाली रख के आपको रिकमेंडेशंस दूं. मैं हमेशा इंस्टाग्राम पर Q&A रिकमेंडेशन करती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक मैं वही सजेस्ट करूँ जो आप लेना चाहते हो. सो इसलिए मैं अपने इंस्टाग्राम पर Q&A डाल देती हूँ, आपको क्या लेना है, मैं उसमें से नायका की सेल में आपको कुछ रिकमेंड कर देती हूँ. सो वो मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ. इसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा. माई इंस्टाग्राम आईडी kashika.chauhan. गो देयर एंड फॉलो मी देयर. मैं डेफिनेटली वहाँ पर रिकमेंडेशन भी कर दूंगी. एंड दैट इज फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशनल रही होगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा. सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना. Also subscribe to my channel for more updates. I think these are last few videos that I am filming in this room because इसके बाद मेरी विदाई हो जाएगी soon. So काफी emotional moment भी हो रहा है. आज मैं shoot करते हुए literally थोड़ा सा starting में रोना आया था because these are my last few days in this studio room. But yeah, support my channel in future as well because बहुत सारी चीज़ें change होने वाली है. But I'll make sure कि मैं अपने channel पे updated रहूँ, साथ साथ अच्छा अच्छा content भी बनाती रहूँ. So that is it for today's video. I'll see you next time. Bye bye.